आज मैं आपको अल्टरनेटिव फॉर्म के बारे में बताऊंगा और वो अल्टरनेटिव फॉर्म होगी एफ और इथ की और इनके गैरी फॉर्म वी और दी की। इससे पहले मैं पिछले चैप्टर में कुछ एक एंकर एंड एंगर, ये एन है और ये इंग है। इंग के आईएनजी होता है इंग, अंग। जैसे ये कह में अंग की मात्रा लग गई, अंग की बिंदी लग गई, तो इसी प्रकार हिंदी के अंदर अंग की और अंक की दो ये बिंदियां दो काम करती हैं। इसी प्रकार जब हम इंग के अंदर आर हुक जोड़ देते हैं तो ये एन के आर एंकर और एन जी आर एंगर दो आवाज देगा। जैसे बैंकर, बैंकर बी ए एन के ई आर बैंकर, और ड्रिंकर, ड्रिंकर ये इंकर के एंकर इंकर की आवाज देता है। लेकिन ब्रिंगर, ये ब्री के अंदर एंगर ही लगाया है लेकिन यहां ये एन जी आर की आवाज देता है, ब्रिंगर। तो ये ध्यान रखना, पिछले चैप्टर में आया था इंग के आर हुक लगाना, तो इंग के अंदर आर हुक लगाते हैं तो औरों के अंदर तो मैं बता चुका हूं, लेकिन इंग के अंदर आर हुक लगाते हैं तो दो आवाज देता है, एन के आर एंकर और एन जी आर एंगर। जैसे एंकर बैंकर में, ड्रिंकर में, लेकिन ब्रिंगर के अंदर एंगर की आवाज दे रहा है। तो ये ध्यान रखना, इंग इंग के अंदर जब इनिशियल हुक आर का लगाते हैं तो एंकर और एंगर की आवाज देता है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं अल्टरनेटिव फॉर्म और फर वर्ब। ये फर है लेकिन सभी जगह एफ के अंदर आर हुक है, फर है लेकिन सभी जगह ये जुड़ नहीं पाता, इसलिए शॉर्ट हैंड के अंदर एक विकल्प ढूंढना पड़ता है। अगर ये नहीं हो सका तो क्या करेंगे, तो इसी का फॉर्म ये बनाया। वैसे एफ का अल्टरनेटिव बना दिया तो ये आर बन जाएगा, ये तो एफ है और ये आर है, लेकिन हुक लगने से ये एफ और आर नहीं रहेगा, एफ ही रहेगा। जैसे एफ आर ये लेफ्ट फॉर्म कहलाती है क्योंकि इसका कुब लेफ्ट की तरफ है और इसका कुब राइट की तरफ है, तो ये राइट फॉर्म बनाती है, इसको कहते हैं राइट फॉर्म। जिसका कुब राइट की तरफ है कर्व का तो उसको राइट फॉर्म कहते हैं, जिसका कुब जो है ना, जिसका उभार लेफ्ट की तरफ है उसको लेफ्ट फॉर्म बोलते हैं। अभी हम बताएंगे कि इनको कैसे जोड़ेंगे। ये फर की दो हो गई, इसी प्रकार थर की है, ये फर की हो गई दो फॉर्म और ये थर है दो फॉर्म, और इनकी गहरी भी होती है दर। जैसे गहरा फॉर्म होता है ये दर, तो इसकी भी गहरी फॉर्म भी, इसका मतलब है ये एफ और इथ, फर और थर, और इनकी गहरी भी फॉर्म वर और दर, इनका अल्टरनेटिव होता है। अब वो कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, अल्टरनेटिव कहाँ जरूरत पड़ती है वो मैं बताता हूं। आपका एक स्ट्रोक लिखा जाता है, सीधे स्ट्रोक में बता रहा हूं, ये तो सीधा स्ट्रोक है, ये ना तो दाई को गया, ये बाएं ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन बी हमने एक शुरू करते ही हमारा बाई तरफ हाथ जा रहा है, और चे का शुरू किया हमने और इधर ये बाई तरफ जा रहा है, जबकि बी राइट को तरफ जा रहा है, ये राइट को एंड हो रहा है और ये लेफ्ट को एंड हो रहा है। के कहाँ एंड हो रहा है, जैसे हमने ये शुरू किया के किधर को आ जा रहा है, राइट को जा रहा है, ये राइट को जा रहा है। तो हम फर की अल्टरनेटिव फॉर्म के लिए जो स्ट्रोक सीधे के लिए तो फ्राइडे यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाकियों में वो किधर को खत्म हो रहा है, राइट को खत्म हो रहा है तो राइट फॉर्म लेंगे, और लेफ्ट को खत्म हो रहा है जैसे चे है, ये इसका लेफ्ट की तरफ घुमा एंड हो रहा है, तो इसमें इसको लेफ्ट फॉर्म कहते हैं, तो लेफ्ट फॉर्म आएगी, ये फॉर्म लेफ्ट है
और ये राइट है। जो स्ट्रोक जिधर एंड हो रहा है उसी की तरफ वही फॉर्म आएगी, जैसे ये ऑफ एक ये फॉर्म आई। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर अकेला फर की आवाज आती है और वावल आ जाए तो क्या होगा। अकेली आवाज आएगी तो अगर वावल पहले आया तो आफर ये लिखा, ये आफर लिखा, लेकिन फ्री ये अल्टरनेटिव आ गया। अगर फर से पहले आवाज वावल की आती है तो ये लेफ्ट फॉर्म जो हम फर लिखते आए वो ही, लेकिन अगर वावल की बात बाद में आती है तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म बदली हुई फॉर्म राइट फॉर्म आती है, जैसे थ्रू, थ्री। तो ये वावल अगर बाद में आता है फर के तो हम उसकी बदली हुई फॉर्म लिखते हैं, लेकिन ये फर में लागू नहीं है, ये फर फर के लिए है, फर और थर के लिए। अभी जैसे आफर, फ्री, और अदर, थ्रू, अदर में लेफ्ट फॉर्म आई, ये जो ओरिजिनल है वही आई, लेकिन थ्रू के अंदर वावल बाद में आया है तो अल्टरनेटिव फॉर्म आ गई। अब ये जोड़ने का तरीका देखिए, मैंने बताया था बी को हम यहां से शुरू करते हैं, ये राइट को जा रहा है, एक सीधा स्ट्रोक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो हम इधर करते हैं तो राइट, ये राइट को जा रहा है, तो इसके साथ राइट फॉर्म लगेगी पहले भी और बाद में भी। ये ध्यान रखना, ये पहले जो फॉर्म लगती है उसमें बाद में भी वही फॉर्म लगती है, जैसे वर्ब और बुफर या बिफोर। बुफर बी को काटा और फर वही आया जो वर्ब में आया, लेदर और थ्रीली, ये एल काम को जा रहा है, राइट को जा रहा है, इसलिए शुरू में इसको थर जो है अल्टरनेटिव आया। लेकिन अगर लेदर में ये राइट को जा रहा है तो बाद में भी अल्टरनेटिव आया, पहले भी राइट फॉर्म आई क्योंकि एल राइट को जा रहा है। कवर राइट फॉर्म है क्योंकि ये राइट को एंड हो रहा है। फ्रॉक पहले फर आया है, इसमें फर बाद में आया है, तो उसको पहले आया या बाद में आए राइट को ज्यादातर राइट फॉर्म ही आती है राइट एंडिंग में। अभी फ्राइडे डे के अंदर टी और डी के अंदर यही फॉर्म आएगी, फ्राइडे ड्राइवर, जैसे ये ड्राइवर है ड्राइवर, ठीक वही फॉर्म आई, लेकिन थर्सडे के अंदर ध्यान रखना और टीदर के अंदर ये अल्टरनेटिव फॉर्म आती है और इसके थर्सडे के अंदर बदल कर आती है, बाकियों में नहीं, बाकियों में तो वही राइट एंडिंग में राइट, जैसे चे है, ये फ्रिज है, तो हम इसको यही फॉर्म लिया क्योंकि ये राइट एंडिंग है, तो इसमें ये जो है ना लेफ्ट को जा रहा है तो हमने लेफ्ट फॉर्म ही लिखा है, ये चे लेफ्ट को जा रहा है तो हमने लेफ्ट फॉर्म ही लिखा, अगर के राइट को अंडर हो रहा है तो हमने राइट फॉर्म ही लिया। तो ये ध्यान रखना, अमूमन ये बात लगती है कहीं, ये ब्रीफ ये नियम टूट भी जाता है लेकिन ज्यादातर नहीं टूटता। तो ये जो एंडिंग के ऊपर ध्यान लेकर के थर और ये फर और थर की अल्टरनेटिव हो जाता है, लेकिन फ्लै के अंदर जिसमें फल जो है, फल के अंदर ये फल है, इसकी केवल बदली होगी तो राइफल, वीवल, कैवलरी इन्हीं में ही चेंज होती है, नहीं तो सबके अंदर फ्लेम, फ्लॉन, फ्लैप, सबके अंदर यही फल आता है ओरिजिनली, सिर्फ राइफल, वीवल और कैवलरी इनके अंदर ही अल्टरनेटिव फल आता है, बाकी फल की अल्टरनेटिव नहीं आती, ओरिजिनली आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि वावल हम क्या करते हैं, हमें समय बचाना होता है, अगर अकेला बार आया है बी ए आर बार, तो बे और रे आया है, बीच में वावल आ गया, जैसे रेस्ट में हमने ये लिया था रिसीट के अंदर, कैंसिल करके सर्कल को एस टी को कैंसिल कर दिया, सर्कल टी लिखा, इसी प्रकार अगर बीच में वावल आता है तो हम उसको अलग अलग लिखते हैं।
अगर बीच में वावल नहीं आता है तो हम उसकी वर्ब की फॉर्म लेते हैं, लेकिन इंटरवेनिंग वावल बना दिया है, जैसे बार है तो ये है, लेकिन बारले है तो ये है। अब ये ध्यान रखना कि डॉट वावल तो सर्कल से लगेगा और डैश वावल जो है वो बीच में कट कर लगेगा। शुरू में आएगा तो शुरू में रखा जाएगा, बीच में आएगा तो कटेगा, लास्ट में आएगा तो लास्ट में कटेगा। ऊ के लिए लास्ट में और ओ के लिए बीच में और आ के लिए शुरू पर रखा, शुरू के अंदर रखा जाएगा। ये आ की आवाज इंटरवेनिंग ये है कि बीच में ब और र के बीच में आवाज आए तो उसको कैसे लिखेंगे। अगर 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 अकेला ही बार है तो हम अलग अलग लिखेंगे, पेयर है तो हम अलग लिखेंगे, लेकिन अगर इससे आगे कुछ जुड़ता है तो हम हुक के साथ ही लिखेंगे। जैसे बार को बैर ऐसे लिखा, बारले हमने हुक कर लिए लिया, लेकिन बार के अंदर जो आ का वावल आया था उसकी जगह पर हमने सर्कल लगा दिया। ये सर्कल ये माना जाता है कि ब और र के बीच में आ का वावल है। अभी डार है तो अलग लिखा, डार्क है तो हुक से लिखा, अकेला आएगा तो उसके इंटरवीनिंग वावल है तो अलग अलग लिखिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्ट्रोक आते हैं तो जोड़कर लिखिए। डार के अंदर ड और र के अंदर आ का वावल आ रहा है तो हमने सर्कल से लिखा, इसको हम ड के आगे और र से पहले पढ़ेंगे। डार्क, कॉर्नर, आ का वावल है क और र के बीच में, ड से लगता है, आ का वावल है तो हमने शुरू में रख दिया, क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो हुक मर जाएगा। कॉर्नर को अगर हमने शुरू में काटा तो हुक मर जाएगा, इसलिए ये नियम बनाया का हुक से अलग ही बाहर ही रखो कॉर्नर। कोर्सली, ओ का वावल है बीच में काटा, और लेक्चर, यू का वावल है, यू का वावल है तो हम यू को काटेंगे, आधा यू इधर और आधा इधर, चर के अंदर आवाज यू की हम काट लेंगे, इसलिए चर को इंटरवीनिंग वावल यू को ऐसे लिखेंगे। फुलफिल, फुल में तो ऊ का वावल आता है, हमने डैश से लिखा, फिल के अंदर ई का वावल आया है तो हमने थर्ड प्लेस में इसको बिंदी डॉट लगाने के बजाय सर्कल लगा दिया। तो ये ध्यान रखना, डैश कटते हैं और डॉट वावल सर्कल से लिखे जाते हैं। शुरू के अंदर आता है तो ऐसे, बाद में आता है तो ऐसे, और बीच में आता है तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं, लेकिन अकेले में नहीं। ये वावल बीच वाला तो अमूमन इस्तेमाल नहीं होता, फर्स्ट का और लास्ट का तो इस्तेमाल होता है। अभी डैश वावल है, शुरू में आता है ये, बीच में आएगा डॉर ये, और लास्ट के अंदर ऊ का वावल आता है, लास्ट के अंदर काटते हैं। तो डैश काट करके लिखा जाता है और डॉट वावल उसको हम सर्कल से लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म ज्यादातर फर और वर की ही आती है, थर और दर की आती है, फल की नहीं आती, लेकिन फल की आती है तो राइफल, वीवल, कैवलरी, इन्हीं में आती है, औरों में नहीं आती। बाकी में फ्लेम, फ्लेयर, फ्लेयर, फ्लेम, फ्लेम, तो वो ओरिजिनली फॉर्म। फल की अल्टरनेटिव फॉर्म बहुत कम इस्तेमाल होती है, कै व में अर में इस्तेमाल होती है, बाकियों में ओरिजिनल फॉर्म होती है। अभी मैंने अल्टरनेटिव फॉर्म आपको पढ़ा दी है। अल्टरनेटिव फॉर्म इसलिए दी गई है फर की कि किसी जगह ये फर जुड़ सकता है, किसी जगह ये जुड़ सकता है, कहीं जगह ये नहीं जुड़ सकता। तो इसलिए एक नियम बताया मैंने कि लेफ्ट एंडिंग है तो उसके अंदर ये, बाद में आया तो भी यही आएगा, शुरू में आया फ्राक आया तो ये, कवर बाद में आता है तो भी अल्टरनेटिव फॉर्म यही आती है, क्योंकि ये राइट एंडिंग है। लेफ्ट के अंदर हम उसको लेफ्ट फॉर्म लिखेंगे। तो ये अमूमन फर के लिए मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है हमें हम कहीं जैसे थर्सडे में अल्टरनेटिव आ गया, डे तो हम फ्राइडे तो ऐसे लिखते हैं, ओरिजिनल से लिखते हैं, लेकिन थर्सडे में कैसे चेंज हो गया, तो ये सर्कल आ गया है इसलिए इसको चेंज कर दिया। बाकी वही नियम है, लेफ्ट हैंडिंग राइट, लेफ्ट फॉर्म राइट हैंडिंग राइट फॉर्म,
फ्लाई के लिए अल्टरनेटिव नहीं होता, लेकिन राइफल, रिवॉल्वर और कैवेलरी में होता है। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू।